जबलपुर ऋषि जवाली की यह तपोभूमि अनेकों पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरी हुई है। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इस जगह का नाम इंद्रगया कुंड है, जो कि जबलपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लम्हेटा घाट में मौजूद है। यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रदेव के वाहन एरावत के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस इंद्रगया कुंड के बारे में कई कहानियां सामने आती हैं, जिसमें कहा जाता है कि पूरे लम्हेटा घाट में अमरकंटक से लेकर खम्बात की खाड़ियों तक माँ नर्मदा की गहराई इस कुंड में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। साथ ही यह वही कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं देवराज इंद्र ने यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इस बात का पता लगाने लोकलिटी की टीम निकल पड़ी जबलपुर शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लम्हेटा घाट की ओर। वहां पहुंचते ही हम सीधे उस जगह की ओर निकल गए जिसके बारे में कहानियां हैं कि देवराज के वाहन एरावत के पैरों के निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं और उसी पर सवार होकर देवराज इंद्र ने यहां पहुंचकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। हम पहुंच गए हैं लम्हेटा घाट की गहराइयों का पता लगाने। कहते हैं यहाँ पर कई घाट हैं, कईयों की गहराइयों का भी पता चला है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ के बारे में कई कहानियाँ हैं जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इनमें से एक यहाँ पर एक कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई विभाग वाला नहीं लगा पाया है, जिसे आज हम इसके बारे में पता करेंगे और इसके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं पता लगाएंगे। ऋषि जवाली की यह तपोभूमि जबलपुर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शहरों में आती है और कहते हैं इसी इंद्रगया कुंड से ही पिंडदान की शुरुआत की गई थी। जैसे जैसे हम उस कुंड के करीब पहुंचते जा रहे थे, हमारी उसकी कहानियों को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। क्या वाकई वहाँ पर जो निशान मौजूद है वह एरावत के हैं? क्या वाकई यहाँ पर देवों के राजा इंद्र ने पहुंचकर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? इन सब सवालों के साथ हमने वहां पहुंचते ही लोगों से इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। यहां राजा इंद्र आए थे और उनने अपने पूर्वजों के अस्थि वित्त पिंडदान किए थे। हाथी के पद चिन्ह ये बने, तो गहराई है हमारे पूर्वजों ने बताई है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कौन कौन से विभाग के लोग यहाँ आए? लेकिन यहाँ पुरातत्व आ गया, यहाँ अपना नर्मदा घाटी आ गया, यहाँ अपना होम गार्ड आ गया, उनका इंजन गिर गया था, वो आज तक नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी की कहानी सुनकर हम किसी भी कहानी पर सत्य की मुहर नहीं लगा सकते, इसलिए हमने वहाँ पर और भी लोगों से इस बारे में बात की। क्या कोई नापने यहाँ पे सरकार ने नापाई गहराई यहाँ की? यहाँ का मतलब यह है कि यहाँ पर जो खारे फूल ठंडा करते हैं, जो केरला रहता है, वो भी यहाँ उतराता नहीं, पूरा मतलब बैठ जाता है और यहाँ पे 24 घंटे भी नीचे पहुँचता है, इतनी गहराई है यहाँ पे। एरावत हाथी आया था, मतलब पिताजी को लेके आए थे एरावत हाथी में, वहाँ पे पैर बने हैं एरावत हाथी के, उसका पद चिन्ह है। स्वयं इंद्र ने अपने पूर्वजों का उद्धार इंद्रगया में किया और इंद्रगया कुंड की एक खासियत है कि यहाँ खारी विसर्जित होती, खारी विसर्जित होती तो उसमें जो राख और केवला होती वो भी सीधा नहीं होता। यहाँ जैसे कोई साधु संतों की जो जल समाधि दी जाती है, तो यहाँ जल समाधि 24 घंटे में नीचे लगती है, क्योंकि अमरकंठक से लेके खम्बात की खाड़ी लम्हेटा घाट जैसे गहराई कहीं नहीं। हमने काफी लोगों से बात कर ली थी, हमारे सामने कहानियां भी थीं और उनसे जुड़े साक्ष भी थे, जिनके मुताबिक देवराज इंद्र अपने वाहन एरावत पर बैठकर इस जगह पर आए थे और अपने पूर्वजों का उन्होंने पिंडदान भी किया था। हम आ गए हैं इस वक्त जबलपुर संस्कार धानी की माँ नर्मदा के इस घाट में, जिसे हम लम्हेटा घाट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर एक कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। कई वर्षों में कई विभाग के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आज तक इसकी गहराई का पता कोई नहीं लगा पाया है। यहाँ पर पहुँच के हमें एक और कहानी का पता चला है। कहते हैं कि देवों के राजा इंद्रदेव यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके अपने पिताजी का पिंडदान किया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पत्थरों में जो निशान है, कहते हैं कि वह एरावत हाथी के ही पैरों के निशान है, जिसको एक चौंका देने वाली
कहानी यहाँ आकर हमने समझा और इसको लेकर कई लोगों से इधर बात करी। लोगों के हिसाब से पूरे लम्हेटा घाट में कई घाट हैं, लेकिन इस घाट की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। लोकल 18 के साथ भरत तिवारी, जबलपुर।